देश इस वक्त कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे में जहां लोग अपने परिजनों को खोकर मायूस हो रहे हैं, वहीं दिल्ली के गांव में जब एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हो गई, तो इससे सबक लेते हुए गांव वालों ने गांव में ही कोविड अस्पताल बना दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के घिटौनी गाँव में नौसेना से रिटायर्ड अधिकारी नरेंद्र लोहिया रहते हैं। एक दिन जब उन्होंने देखा कि अस्पताल की कमी की वजह से एक दिन में 3 लोग मर जाते हैं, इससे वो सतर्क हो गए और गांव में ही एक छोटा कोविड सेंटर बना दिया। आगे आपको बता दें कि नरेंद्र लोहिया और गांव के लोगों की मदद से बनाए गए इस कोविड सेंटर में नरेंद्र लोहिया के बहू और बेटे लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये दोनों लोग डॉक्टर हैं। गाँव में हर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में गाँव के कुछ लोग दवाई लेने में असमर्थ हैं। ऐसे में गांव के ही नीरज लोहिया, सचिन आर्य, वीरेंद्र समेत कई अन्य लोग मदद के लिए आगे आए और उनको भोजन समेत कई तरह की जरूरतमंद चीजें दी। इस कोरोना संकट में गांव का स्कूल काफी काम आ रहा है। स्कूल को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें 25 बेड है। अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसे आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। गांव के लोगों ने गांव की चौपाल को भी ओपीडी में बदल दिया। आपको बता दें कि गांव में रोजाना शाम को 5 से 7 बजे तक चौपाल पर ओपीडी लगाई जाती है, जहाँ पर सबकी परेशानी को सुना जाता है। गांव में अभी 10,000 से भी अधिक लोग हैं, जिसमें से 500 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। स्पेशल डेस्क, नवदीप टुडे, दिल्ली।